हमारा राजस्थान न्यूज परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव डबली खुर्द में सोमवार रात राशन वितरण के गेहूं से भरी ट्रॉली अन्य जगह बेचने के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर जब्त कर लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली में 70 थैला यानी कि 25 क्विंटल गेहूं था, जो कि अन्यत्र बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। गांव के सरपंच व ग्रामीणों ने मसीता वाली पुलिस चौकी में सूचना दी, लेकिन आज सुबह 9 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा सरपंच के साथ चौकी प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया। यह घटना पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है। इस घटना को 12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं की गई है? ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने मसीता वाली हेड पर रोड पर लगाया जाम। ब्यूरो रिपोर्ट, सुनील शर्मा, हनुमानगढ़। ग्राम पंचायत डबड़ी खुर्द और डीलर शंकरलाल गोस्वामी ने करीब 30 से 40 क्विंटल गेहूँ गरीबों के खाद्य सुरक्षा को चोरी ले जाते हुए और वहाँ राउचर बेचने के लिए ले जा रहे थे। उनको रात करीब लोगों ने सूचना की तो मैं करीब 10 बजे आकर ट्रैक्टर को पकड़ लिया तो उसने बोला कि गाली गलौज भी की है शंकरलाल ने, तो फिर वो तो चला गया उनकी गाड़ी और ट्रैक्टर रोक लिया गया यहाँ पर। तो और मैं खुद जाकर मिस्ता वाली हेड चौकी में सूचना करी प्रभारी को, तो वो बोले हम नहीं आते हैं, हमारे को उन्होंने भी गाली गलौज किया और उन्होंने तलवारें सब जाकर हमने SDM को सब जाए और वो उन्होंने करीब आए नहीं।